अरे जैसा भाई के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? ये जैसा भाई। भाइयों, हमारे जैसा मालिक बन गए हैं आईसीसी के नए चेयरमैन। भाई पिछले कई दिनों से लग ही रहा था कि जैसा ही बनेंगे आईसीसी के अध्यक्ष। मतलब भाई का भोकाल है इतना। अब इस न्यूज से हम जितने खुश है उससे कई गुना ज्यादा दुखी हमारे पड़ोसी है, क्योंकि उनको समझ आ चुका है। लो भाई पाकिस्तान वालों, मुद दिया तुम्हारे चैंपियंस ट्रॉफी के सपनों पर। मतलब ये लोग सोच रहे थे भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी तो हम होस्ट कर रहे हैं, इंडिया को हमारे यहाँ आके खेलना ही पड़ेगा। पर अब आईसीसी के चेयरमैन है इंडियन, मतलब पावर भी है इंडिया के पास। अब सोचो तुम्हारा क्या होगा पाकिस्तान। मैं जयशा शपथ लेता हूँ कि चेयरमैन होने के नाते ऐसी स्क्रिप्ट लिखूंगा जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और बात रही चैंपियंस ट्रॉफी की, तो झंडा तो हम ही ले रहेंगे, और किसी को कोई दिक्कत है तो हम होस्ट ही चेंज कर देंगे। साला ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मैं ही हूँ। और भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज, चेयरमैन कौन होगा इसका डिसीजन सभी देशों को मिलके देना होता है। मतलब 16 वोट्स होते हैं, जिसमें से 9 वोट्स लेके आ गए तो वो चेयरमैन बन सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सब लोग सहमत थे जैसा मलिक के नाम पे। मतलब 16 में से 15 वोट्स के साथ जैसा मलिक चेयरमैन बने हैं, और वो जो एक वोट कम है ना वो इन चूतियों ने ही नहीं दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान ने ही जैसा मलिक को वोट नहीं दिया था। पर अब क्या ही फायदा, अब तो हिसाब से पहला जाए। भाईजान मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, पहली बात तो हमें घबराना नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं हूँ घंटे का किंग, पर मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ करवा दो, कुछ भला हो जाएगा हम जैसे गरीबों का। हम भी चाहते हैं भाईजान हफ्ते में 2 बार बिरयानी खाना, रोज रोज ये दाल चावल खा के तंग आ गए हम। भाइयों एक और जोक सुनाता हूँ आपको। हमारे जैसा भाई है ना, जैसा भाई वो हमारे चीकू भाई के एज के है। मतलब भाई जैसा भाई भी अभी भी यंग ही है। और वो बन गए हैं यंगेस्ट आईसीसी चेयरमैन। अब जैसा मलिक के चेयरमैन बनने के बाद पाकिस्तान वाले रोएंगे ही, और उनका वो भी शुरू हो जाएगा आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई। पर कहने दो बेन स्टोक्स, हमें क्या जाता है। आपको कैसे लगा भाइयों जैसा मलिक के चेयरमैन बनने के बाद, कमेंट्स में बता सकते हो। और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ, तब तक खुद का और फैमिली का ख्याल रखना।